बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिकेट एकेडमी। क्रिकेट एकेडमी के अंदर आज क्लास 9th एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बताया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर और ड्रॉन टू द आर्म ऑफ द एंगल, ये बताएगा उसका प्रूफ बताए, प्रूफ दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर। सबसे पहले हमने सवाल पे गौर करना है, जब सवाल पे गौर करेंगे सवाल समझ आएगी तो बाकी हम प्रूफ कर लेंगे, बाकी आसान होता है। सबसे पहली बात उसने क्या कहा कि फ्रॉम अ पॉइंट टू भी एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमने एक एंगल ड्रा किया है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पर हमने एक एंगल ड्रा किया है जिसको कहते हैं बी। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइन ड्रा की है ये लाइन एक्चुअली कितनी डिग्री की होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर एक सर्कल है, सर्कल होता है 360 डिग्री, सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, जब इसको अगर बाइसेक्ट किया जाए तो ये लाइन बनती है, इसमें 180 ये हो जाता है, 180 ये हो जाता है, तो इट्स मीन कि 180 डिग्री ये कितनी है, 180 डिग्री बनती है, ये एक लाइन है 180 डिग्री की। तो जब हम इसको इस तरीके से बाइसेक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी 90-90 की हो जाएगी, तो तब ये बाइसेक्ट प्रॉपरली होगी। तो अगली बात मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द आर्म ऑफ द एंगल, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर दो आर्म ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पर या तो डी रख लें, डी रखने के बाद जहाँ पर वेक्टर से को कर लें, यहाँ पर एक फर्ज किया हम 10 डिग्री का एक आर्म ये बनाते हैं, 10 डिग्री का एक आर्म ये बनाते हैं, सपोज किया तो ये भी फर्ज किया, ये भी 10 डिग्री का है, ये भी 10 डिग्री का सपोज किया है, तो ये दो हमने ड्रा किए हैं 10-10 डिग्री के, ये परपेंडिकुलर। अभी परपेंडिकुलर पहले तो हम ये समझने चाहिए, परपेंडिकुलर समझना चाहिए, परपेंडिकुलर हम कैसे पता चलेंगे, परपेंडिकुलर है कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के हमें वो पार्ट्स पता होना चाहिए कौन सी साइड क्या कहलाती है, तब हमें यकीन हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर कैसे है। तो कोई भी ट्रायंगल है इसको जो नीचे वाली साइड है वो क्या कहलाती है, बेस, इसकी जो ऑपोजिट साइड है ये क्या कहलाती है, ये साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ठीक है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये है हाइपोटेनियस। अभी यहां इस पे आप गौर करेंगे इस ट्रायंगल पे तो हमें ये सारी चीज वाजे नजर आ जाएगी कि परपेंडिकुलर कौन सी है, हमने एक्चुअली ड्रा क्या करने है, दो परपेंडिकुलर आर्म ड्रा करने है, ये तो हम ड्रा किया, अभी इसके परपेंडिकुलर इसका कौन सा बनेगा, ये साइड, इसकी परपेंडिकुलर बनेगी ये साइड, क्योंकि अभी यहां पर इस बी डी के ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट के बाद हम जब इसको ये सीधा ड्रा करते हैं ये 90 डिग्री तक बनता है, ये इसकी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये जो है इसका ये साइड 90 डिग्री की बनेगी, तो यहाँ पर कौन सा इसका इफाज के एक पॉइंट P लिया, इसको हम नाम देते हैं L और इसको कर देते हैं M। अभी देखा जाए तो B की परपेंडिकुलर कौन सी साइड बनती है, ये साइड, ये ऐसे बन जाती है तकरीबन, आप समझेंगे तो ये B बनेगी, ये M बनेगी और ये P बनेगी। इस तरह अगर ऊपर वाली लें तो हम अगर इस तरह इसको बनाते हैं तो ये इस तरह बनेगी, ये B बनेगी और ये बनेगी L, ये बनेगी P, तो ये इस तरह के से हम आगे, ये तो फर्क वो बात है कि जो हमने ड्रा की है सवाल के मुताबिक, परपेंडिकुलर आर इक्वल इन मेजर, हमने हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में देखें तो हमने देखना है कि गिवन दिया हुआ क्या है, सबसे पहले हमने ये और करना कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ यह है कि एक पॉइंट था बी डी, हमने बी डी इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल, कौन सा एंगल बाइसेक्ट करना है, ए डी भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन वो ऐसी लिखेंगे अगर फर्स्ट किया कि हम बी
ले रहे थे पॉइंट, इसको बाइसेक्ट किया है, तो जो हम ये एंगल वाली ए बी सी जो दरमियान में आएगा वो एंगल एक्चुअली होता है। तो एक इस पे जब बाइसेक्ट किया तो पॉइंट पी ऑन किस पे आया, बी डी के ऊपर पॉइंट पी आ गया। तो इसको जब हमने देखा कि ये पी एल है, ये पी एल और ये दो परपेंडिकुलर है, पी एम और पी एल, पी एल और पी एम है और परपेंडिकुलर टू किसके है, ए बी और बी सी या सी बी। जैसे मैंने ये बताया कि दो हमारे पास बन गई है, और एक ये बनी थी बी एम पी और दूसरी बन थी बी एल पी। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जो हमने साइड पहले लिखी है उसके ताल्लुक पहले के साथ है, जो दूसरी लिखी है उसके साथ ताल्लुक दूसरे के साथ है। अभी हमने इसके अंदर जो बताया गया है कि वो प्रूव क्या करना है, प्रूव करने के जो हमने ये परपेंडिकुलर बनाए हैं आया कि ये अगर इनको मेजर किए दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो ये हमने प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, पी एल, पी एल कंग्रुएंट है किसके, पी एम के। तो हमने प्रूफ करना है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई है और रीजन भी। स्टेटमेंट वो होती है बयान, जो हमने चीज लिखी होती है उसको हमें बताना है, रीजन बतानी है भाई क्यों है आया कि ये कंग्रुएंट है तो क्यों है, करेस्पॉन्डेंस है तो क्यों है। अभी हमने इसकी दो की, हमारे पास दो डायगोनल आ गई है, ट्रायंगल एक ये आ गई है, एक ये आ गई है, या आप देखें तो एक ये वाली है बी एल पी और दूसरी है बी एम पी, ये दो ट्रायंगल आ गई है। इसमें अभी हम देखते हैं कोरेस्पोंडेंस मुमासलत क्या है, कोरेस्पोंडेंस का क्या मतलब है, मुमासलत। तो एक ट्रायंगल अगर हमारे बी एल पी, ये कोरेस्पोंडेंस है बी एम पी के, इसके अंदर हम देखते हैं कि बी एम पी साइड जो है वो कंग्रुएंट है बी पी के, दोनों बी पी लिखी हुई हैं, ये भी बी पी है और ये बी पी है। ये क्यों है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों की ये साइड कॉमन है, दोनों की जब साइड कॉमन है तो हमारे पास ये तो कंफर्म हो गया कि बी पी ये साइड किसके है, बी पी के, दोनों ट्रायंगलों के ये कॉमन पॉइंट आ रहा। अगली बात हो गई कि दो हमारे पास एंगल बन गए हैं, एक ये बना है और एक ये बना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसका राइट एंगल का मतलब वही है, तो कि 90 डिग्री का एंगल ये वाला जो होता है 90 डिग्री का, ये भी होगा 90 डिग्री का। तो इसके अंदर एक चीज तो हमें साइड पर चल गई, दूसरी चीज है कि हमारे पास जो एंगल है इसका बी एल पी और बी एम पी ये दोनों आपस में कंग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि ईच एंगल राइट एंगल है, ये ऑलरेडी दिया गया है 90 डिग्री का। उसके बाद जो अगली बात आती है, तो हमारे पास एंगल है कौन सा, बी, जिसको हमने बाइसेक्ट किया है, तो एक हमारे पास कौन सा आ गया बी एम पी और दूसरा कौन सा पी बी एल। तो हमारे पास एल बी पी कंग्रुएंट हो गया एंगल एम बी पी, क्यों, क्योंकि हमने बी डी को, बी डी के ऊपर एक एंगल को हमने बाइसेक्ट कर दिया है, तो बी पॉइंट बी का जो एंगल था हमने बाइसेक्ट किया, जो 180 डिग्री था उसको हमने करके ऑलरेडी 90 पे डिवाइड कर दिया है। जब हमें पता है कि इस तीन चीजों के अंदर यहां तक अगर देखें तो हमारे पास कितनी चीजें हैं, दो एंगल हैं और एक साइड है। जब आपको पता है कि दो सूरतों में हम कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल वो कंग्रुएंट हो सकती है, या तो उसकी दो साइडें और एक एंगल कंग्रुएंट और दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल के, या फिर दो साइड और एक एंगल इक्वल हो, या दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, तो तब हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है दूसरी ट्रायंगल के। अभी इसमें देखा कि दो एंगल कंग्रुएंट है दूसरी ट्रायंगल के और एक साइड कंग्रुएंट है दूसरी ट्रायंगल की साइड के,
तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों जो हमारे पास ये ट्रायंगल है ये दोनों कंजुगेट है। तो सो PL जो अभी ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर साइड है और ये वाली जो परपेंडिकुलर साइड, तो ये क्योंकि कोरेस्पॉन्डेंट साइड है ना, मुमासल करती है, सेम ये एंगल है, बाइसेक्ट हुआ है, आपस में कोरेस्पॉन्डेंट है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कंजुगेट है। क्यों कंजुगेट है? ए, ये कोरेस्पॉन्डेंट साइड्स हैं किसकी? ट्राइंगल्स की। ये ट्राइंगल का सिंबल है, तो इसके साथ चूंकि एस लगा दिया तो ये बनता है, जानता है कि इसका मतलब क्या होता है, ट्राई एंगल्स। तो स्टूडेंट आज का ये क्वेश्चन था, इसमें कोई क्यूरी हो, कुछ भी हो, आप इसके बारे में सवाल कर सकते हैं।